हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो कि पार्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इसको पढ़ाया जाता है ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट प्रोवाइड फ्लैक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग देखो आप स्कूल जा रहे हो स्कूल में पढ़ रहे हो दैट इज योर ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग लेकिन इसके अलावा जब आप कोई चीज लर्न कर रहे हो और आप उसको सीख रहे हो लेकिन अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है वो चीज़ आपकी ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन में आती है एग्जैक्टली exactly क्या होता है वो अभी हम देखेंगे ठीक है थीके? सबसे पहले ओपन लर्निंग समझते हैं ओपन लर्निंग रेफर्स टू एन एजुकेशनल अप्रोच दैट अलाउज लर्नर टू हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर देअर लर्निंग एक्सपीरियंस यानी इसके अंदर जो लर्नर्स हैं उनका अपना कंट्रोल काफी ज्यादा होता है अपने लर्निंग एक्सपीरियंस पे ठीक है ये फोकस्ड होता है फ्लेक्सिबिलिटी पे सेल्फ पेस्ड लर्निंग एंड लर्नर ऑटोनॉमी पे मतलब आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने हिसाब से पढ़ सकते हो सेल्फ पेस मतलब आप टीचर ये नहीं है कि पढ़ा रहे हैं आपको और आपको ध्यान देने नहीं आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को हैंडल कर रहे हो आपका खुद पे पूरा हक है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो कितने देर तक मतलब जिसे कहना चाहिए ना यहाँ पे ये नहीं है कि ये चैप्टर चल रहा है तो यही बैठ के पढ़ना है बिकॉज आप ओपन लर्निंग में लोग घर से पढ़ते हैं ठीक है Open Learning May students have the freedom to choose their courses. यानी स्टूडेंट्स के पास ये फ्रीडम होती है कि वो अपने कोर्सेज चूज कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल को चूज कर सकते हैं अपने लर्निंग मेथड्स को चूज कर सकते हैं अपनी नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है इन ओपन लर्निंग स्टूडेंट्स हैव द फ्रीडम टू चूज देयर कोर्सेज स्टडी मटेरियल लर्निंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड इंटरेस्ट एंड इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज यानी कई सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू वो पढ़ लेते हैं टेक्स्ट बुक्स उनको मिलती है उसके थ्रू कई मल्टीमीडिया मीडिया चाहे वीडियो हो गया चाहे कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्डिंग हो गई, या कोई भी इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म से वो पढ़ सकते हैं ठीक है ना क्या क्या फीचर्स है ओपन लर्निंग के वो देख लेते हैं सबसे पहले है फ्लेक्सीबिलिटी देखो ओपन लर्निंग में ना आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यानी आप कितनी देर पढ़ना चाहते हो कितने टाइम कौन सी जगह किस स्पीड से पढ़ना चाहते हो सब कुछ आपके हाथ में है स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दे कैन लर्न जिससे वो अपनी स्टडीज को बैलेंस कर सकते हैं एंड साथ के साथ अगर कोई पर्सन वर्क कर रहे हैं तो वो भी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क को हैंडल कर सकते हैं सेकेंड है सेल्फ पेस्ड लर्निंग ओपन लर्निंग से क्या होता है ना अनेबल क्या करता है प्रोग्रेस थ्रू अ कोर्स मटेरियल एट देयर ओन पेस ओपन लर्निंग की हेल्प से स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो चीज़ों को या किसी भी चीज़ को अपने पेस से पढ़ लेते हैं ठीक है उन्हें ऐसा नहीं जैसे आप स्कूल में जाओगे तो आप चाहे घर पे आके कुछ भी पढ़ते हो लेकिन आपको स्कूल में तो एक फ्लो है ना कि आपको टीचर ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है तो फर्स्ट पढ़ोगे फिर सेकंड पढ़ोगे तो वो एक फ्लो चलता है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो एंड आप रिव्यू कर सकते हो रिविजिट कर सकते हो टॉपिक जैसे जैसे आपको जरूरत लगे एंड ऑब्वियसली जिस एरिया में ज्यादा अटेंशन की जरूरत है उस पर ज्यादा अटेंशन दे के आप आगे बढ़ सकते हो उन एरियाज में जो ऑलरेडी आप जिसमें प्रोफिशियंट हो ठीक है देन कम्स पर्सनलाइज लर्निंग ओपन लर्निंग रिकोगनाइज करती है दैट लर्नर हैव डिफरेंट नीड्स लर्निंग स्टाइल्स एंड इंटरेस्ट ओपन लर्निंग क्या बताती है कि लर्नर जो होते हैं उनकी अपनी नीड है अपना लर्निंग स्टाइल है अपना इंटरेस्ट है सो so, वो एक रेंज ऑफ लर्निंग मटेरियल एंड रिसोर्स ऑफर करती है जिससे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना अपनी गोल्स के अकॉर्डिंग वो स्टडी करते हैं ठीक है फिर आया एक्सेसिबल एजुकेशन ओपन लर्निंग का एम है एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना एक वाइडर ऑडियंस के लिए सपोज अगर मैं आपको बोलूं इंदिरा गांधी जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है आप यहाँ बैठे बैठे अगर आप किसी दूसरी स्टेट में हैं आप उसमें पढ़ सकते हैं कि नॉर्मल कोई स्कूल होगा जिसमें आपको जाना होगा या नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होगी उसमें आपको जाके पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको दूर से वो डिग्री नहीं देंगे लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब ही यही है कि आप अपने घर से मतलब ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा उसके अलावा आप अपने घर से कभी भी पढ़ सकते हो ठीक है वाइडर ऑडियंस के लिए ये अवेलेबल भी है प्लस यू कैन स्टडी फ्रॉम योर ओन हाउस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस ठीक है एंड ऑब्वियसली जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है कई सारे लोग होते हैं जो स्कूल्स नहीं जा सकते यूनिवर्सिटीज नहीं जा सकते तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उनको नॉर्मल किसी वजह से चाहे वो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट हो गया कि किसी और सिटी में रह रहे हैं फाइनेंशियली थोड़ा सा लिमिटेशन है कि पैसे नहीं है या डिसेबिलिटी की वजह से जो नहीं जा सकते एटलीस्ट दे कैन गेन बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स एंड ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट ठीक है ये क्या प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज कि आपकी आपको मतलब लर्निंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिले स्किल डेवलपमेंट भी होता रहे लेकिन कुछ रुकावट ना आए ठीक है थीके? ये आपका हुआ ओपन लर्न नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब है एक मेथड ऑफ डिलीवरिंग एजुकेशन टू लर्नर वो आर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंस्ट्रक्टर मतलब वो उस जगह पे उनके साथ नहीं पढ़ रहे हैं दूर से पढ़ रहे हैं उनसे ठीक है और ऑब्वियसली इसमें क्या होता है ना कई सारी टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन टूल यूज़ होते हैं ताकि जो ये गैप है एडुकेटर के बीच में और लर्नर के बीच में वो कम कर सके ठीक है डिस्टेंस एजुकेशन डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हो सकते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीडियो जिसे बोलते हैं आजकल नॉर्मल वीडियो चैट एंड वीडियो लेक्चर्स इन सब के थ्रू वो पढ़ सकते हैं ठीक है ओपन से कैसे लगे ओपन में इट्स नथिंग लाइक कि आप एडुकेटर आपका जो है वो आपसे दूर से पढ़ रहे हैं या फिर आप उनसे वीडियो लेक्चर मतलब वो चीज़ नहीं है ओपन में बस आपने करवाया एडमिशन उसके बाद एवरीथिंग इज इन योर हैंड आपको बस पेपर देना है जो दूसरे के उसमें है मतलब वो कंट्रोल करेंगे बाकी सब कुछ आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे एक एक तरीका है कि आपसे हो सकता है आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिले हो सकता है आपको बताया कि ये अभी सेमेस्टर में ये होगा तो ये वीडियो लेक्चर्स है ये पढ़ो तो ये थोड़ा सा अलग होता है बट यहाँ पे आप फिजिकली यू आर फार अवे फ्रॉम द एजुकेटर नाउ की फीचर क्या है डिस्टेंस एजुकेशन के इंडिपेंडेंट लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन क्या करता है ना एक स्ट्रॉन्ग एम्फिस फोकस करता है एक यानी वो इंडिपेंडेंट लर्निंग पे फोकस करता है ठीक है स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल मिलता है उनको रिसोर्सेज मिलते हैं एंड वो अपना लर्निंग प्रोसेस खुद से मैनेज है, करते हैं कंप्लीट करते हैं असाइनमेंट और कभी कभार किसी किसी एडुकेटर से कनेक्टेड भी होते हैं जिनसे वो पढ़ लेते हैं मतलब ऑनलाइन के थ्रू ऐसा नहीं है कि वो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिट देते हैं वो क्लास जब होगी तो आप पढ़ लेंगे Then comes communication and interaction despite the physical separation distance education promote communication and interaction between learner and instructor चाहे फिजिकली सेपरेशन हो यानी कि टीचर अलग है बच्चा अलग है तब भी डिस्टेंस एजुकेशन प्रमोट करती है क्या कम्युनिकेशन हो इंट्रैक्शन हो लर्नर और इंस्ट्रक्टर के बीच में एंड इसमें एक वर्चुअल क्लासरूम भी हो सकता है डिस्कशन फोरम्स होते हैं अलग अलग ई के थ्रू चैट रूम्स के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू टीच जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं एंड साथ में वो कई सारी कोलाबरेटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं ठीक है थीके? असेसमेंट एंड फीडबैक डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है ना कई सारे असेसमेंट मेथड्स होते हैं जैसे ऑनलाइन क्विजेस करवा लेंगे आपसे असाइनमेंट करा लेंगे प्रोजेक्ट्स करा लेंगे एग्जामिनेशंस करवा लेंगे ताकि आपकी प्रोग्रेस का पता चल जाए एंड आपकी लर्निंग आउटकम्स का आइडिया लग जाए फीडबैक एंड सपोर्ट जो होता है इंस्ट्रक्टर से वो डिजिटल तरीके से प्रोवाइड किया जाता है ठीक है चाहे वो आपको एक मतलब महीने में एक बार एक लेक्चर में उन्होंने सब बता दिया सब समझा दिया या फिर हफ्ते में एक बार सो इट इज़ ऑल डिजिटली यू नो प्रोवाइडेड देन सपोर्ट सर्विसेज होती हैं डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जहां पे एक स्टूडेंट्स को थ्रू आउट देयर जर्नी मतलब जब तक वो पढ़ेंगे तब तक उन्हें प्रॉपर सपोर्ट मिलता है एंड ये सर्विसेज हो सकती हैं कि उन्हें ऑनलाइन ट्यूटरिंग मिल जाए उन्हें अकेडमिक्स में एडवाइस मिल जाए टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए कई बार लाइब्रेरी रिसोर्सेज उनको मिल जाते हैं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स उनको यू नो एक्सेसिबल होते हैं नाउ वट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन अगर दोनों को साथ में रख के इनके फायदे देखें तो सबसे पहला तो वही हो गया जो बहुत डिटेल में हमने देख लिया फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि किसी भी वजह से स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर सकता उस पर्सन के लिए इट इज वेरी इजी इट्स वेरी फ्लेक्सिबल कि वो ओपन लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करे प्लस इससे क्या होगा ना कि बच्चे लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब उनको प्रॉपर लर्निंग मिलती है जो बाद में उनको हेल्पफुल रहती है भले ही वो स्कूल नहीं प्रॉपर नहीं गए यूनिवर्सिटी नहीं गए बट दे हैव दिस लर्निंग फॉर द लाइफ टाइम ठीक है एंड ऑब्वियसली बच्चा अपने हिसाब से अपनी नीड एंड लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से बच्चा पढ़ सकता है तो उनका लर्निंग एक्सपीरियंस कस्टमाइज हो जाता है एंड ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है ना पावर ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाती है कहीं ना कहीं जो हेल्प करती है कम्युनिकेशन में आपको आज मेल मिल रहा है आपको अगर आज यू नो कॉल से पता चल रहा है आपको अगर वीडियो से पता चल रहा है तो ये सब चीजें आपको हेल्प कर रही हैं कि आप टेक्नोलॉजी को अपनी एजुकेशन के साथ मिला के चीजों को सीखो ठीक है कॉस्ट इफेक्टिव है नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाने के कंपैरिजन में ओपन या डिस्टेंस का खर्चा कम होता है इसीलिए इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर टीचिंग ठीक है, so, मतलब फॉर स्टडिंग नाउ चैलेंजिंग एंड कंसिडरेशन सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन नहीं आता सपोज आप यूनिवर्सिटी गए आपका मन नहीं है लेकिन तब भी आपको फोर आवर तो पता ही है कि काम पढ़ना पड़ेगा अटेंडेंस का चक्कर होता है बाकी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है आप सात वालों को देखते हो पढ़ते हुए तो आपको खुद भी मन करता है सो so, वो चीज आपको यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगी जहां आप रेगुलरली जा रहे हो लेकिन ओपन एंड जो आपका डिस्टेंस लर्निंग है वहां पे ऐसा नहीं होता क्योंकि यू आर ऑन योर ओन तो वहां पे कई बार मोटिवेशन उतनी नहीं आती है एंड कई बार उतना डिसिप्लिन नहीं आता है डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट कोई भी बच्चा जो ओपन लर्निंग के थ्रू पढ़ रहा है तो आपको पता ही है कि ये रिलाय कर रही है डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग एज टेक्नोलॉजी पे सो so, स्टूडेंट्स के पास बेसिक डिजिटल लिटरेसी स्किल्स होने चाहिए एंड प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए ताकि वो टाइम टू टाइम कनेक्टिव या फिर जो भी उनको जरूरत है वो उनकी नीड पूरी हो जाए ठीक है फिर आया सोशल इंट्रैक्शन यहाँ पे जब आप नॉर्मली जाते हो ना तो आप लोगों को अपने दोस्त मिलते हैं टीचर्स मिलते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है जो आपकी बात करने का तरीका है इंटरेक्शन है वो अच्छा होता है लेकिन जब आप सोशल इंटरेक्शन की बात करते हो नॉर्मल यानी कि डिस्टेंस लर्निंग में या ओपन लर्निंग में वो बहुत लैक करता है ठीक है वो कई बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि उन्होंने पूरे साल किसी से बात ही नहीं करी और फिर एकदम से जब उन्हें बात करनी पड़ जाती है तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है प्लस क्वालिटी एश्योरेंस देखो आप कहीं से भी अगर कर रहे हो तो आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपका हर बार पता रहता है कि ये होगा ये ये करने पर ये होगा और यू you नो know, कोई टेस्ट कर सकता है कोई भी आके इंस्पेक्शन कर सकता है बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन जब आप खुद से करते हैं यानी आप खुद से पढ़ाई करते हैं ओपन लर्निंग या फिर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू तो हमेशा जरूरी नहीं है कि क्वालिटी और एकदम अफेक्टिव हो ठीक है मतलब क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो प्रॉपरली कोर्स डिजाइन हुआ हुआ कोर्स डिलीवर करते हैं लेकिन ओपन और डिस्टेंस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि आप अपने खुद से ही अपनी चीज़ों को संभाल रहे हैं तो वहां पे वो क्वालिटी एश्योरेंस वाली बात प्रॉपरली नहीं आ पाती सो ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन दोनों ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो जिससे एजुकेशन ऑब्वियसली डिलीवर कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी जिनके लिए थोड़ा भी डिफिकल्ट है रेगुलर स्कूल ज्वाइन करना या जो जॉब कर रहे हैं जिनके पास फाइनेंशियली कोई बर्डन है सो so, वो फ्लेक्सीबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं लर्नर्स के लिए जिससे एजुकेशन ज़्यादा इंक्लूसिव बने या एडेप्टेबल बने अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल सो दैट वॉज इट हम लोगों ने इस वीडियो में ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन को पढ़ा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल बटन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आए प्ले uh, लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा बिकॉज प्ले लिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ को बहुत अच्छे से अरेंज करा है ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो एंड अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है और आप कुछ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है दैट इज़ बाई मी अ बुक यू कैन बाई मी अ बुक अकॉर्डिंग टू योर जितना भी आप करना चाहें इट इज़ अप टू यू एंड अगर कोई डाउट है कोई वीडियो में कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर सकूँ थैंक यू सो मच हैव एन आई स्टे एल सू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो